मेरे पर्स में नॉर्मली यही सामान रहता है, ब्यूटी ब्यूटी एंड ब्यूटी। मैं कोशिश करती हूँ मैं और खूबसूरत बनती जाऊँ, और खूबसूरत बनती जाऊँ, और खूबसूरत बनती जाऊँ। इट्स वेरी पुश पुश। रात में बस पार्लर से आते ही, काम से आने के बाद मैंने इसको भी सेटअप नहीं किया। मॉर्निंग बैग अलग प्लान्ड होता है, इवनिंग में आते आते इसकी हालत बुरी हो जाती है। सो नाउ स्टार्ट विद द नाइट रिज्यूम। हाय, माय सेल्फ इज निशा लांबा और आपकी प्यारी निशा आप लोगों के साथ। आज मेरे पास मेरे खतरनाक दिमाग ने एक आइडिया दिया है, विच इज़ लिटिल बिट वेरी डेंजरस आइडिया। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू ओपन माई पर्स। मैं आप लोगों के लिए अपना पर्स ओपन करूँगी एंड उसमें मैं दिखाऊँगी मैं अपने पर्स में क्या क्या रखती हूँ। सो अभी रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 9:30 एंड मैं पार्लर से आ जाती हूँ नियर बाई 8:30। तो आने के बाद बस मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि अर्ली अर्ली पैक्ड मॉर्निंग बैग नहीं है मेरा, लेट नाइट पैक्ड मॉर्निंग इवनिंग नाइट बैग है। सो इसमें जो भी होगा इट्स नॉट प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रश्ड और सब कुछ 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 है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्स एंड सिचुएशन इज सीरियसली वेरी वेरी बैड ओवर हेयर। यहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है। सी दीज आर, सो आई एम गोइंग टू ओपन ईच एंड एवरीथिंग। तो दिस इज अ स्कर्व विच आई बाय टूडे एंड अ फेस वॉश ऑफ O3 प्लस। सो ये दोनों मैंने परचेज किया था। लेट्स स्टार्ट एंड ओपन ओपन इट अनओपन माई हॉरेबल बैग। लेट्स सी एंड स्टार्ट। इट्स वेरी पुश पुश। रात में बस पार्लर से आते ही, काम से आने के बाद मैंने इसको भी सेटअप नहीं किया। मॉर्निंग बैग अलग प्लान्ड होता है, इवनिंग में आते आते इसकी हालत बुरी हो जाती है। सो नाउ स्टार्ट विद द नाइट रिज्यूम। मैं आप लोगों के सामने अपना बैग ओपन करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे बैग में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैंने ये परचेज करके आई हूँ, ये O3 का ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग फेस वॉश है। सो आई लव दिस। सो मैंने अभी ये परचेज किया है। सॉरी फॉर द वॉइस, सॉरी फॉर द वॉइस, ये मेरे बच्चों की भी वॉइस है। बदमाश पीछे से चेक करे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी हाँ मैंने परचेस किया है। अब आप कहोगे अपने सैलून से लेके आई हो। अरे भाई मैं भी पैसे देती हूँ, मैं भी प्रोडक्ट लेती हूँ। तो एंड दिस इज अ वोल्केनो स्कर्ब, क्योंकि मेरा खत्म हो गया था वन ऑफ माय फेवरेट स्कर्ब। बट आई स्पेशली मेंशन कि आप सैलून से लो, आप अपने एरिया के सैलून से लो। ये 490 रुपीज़ का आता है, 50 ग्राम है एंड इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड फॉर दोज हु हैव वेरी ऑयली फेस, तो वेरी गुड फॉर दैम। तो इससे काफ़ी अच्छा क्लीनिंग इफेक्ट मिल जाता है। देन आई हैव टेकन ब्राइटनिंग फेस वॉश। ये एक अच्छा फेस वॉश है, अगर मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, अपना फेस इससे वॉश करती हूँ तो बहुत एक अच्छा शीन सा ग्लो आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस वन एंड इसकी कॉस्टिंग हो जाती है नियर बाई 385 रुपीज़। नाउ ये मेरा फेस वॉश है, अभी मैंने O3 का यूज पे शिफ्ट कर रही हूँ, पर ये कैंपनी का फेस वॉश एंड आई सीरियसली लव इट। ये फिनिश हो गया है और अभी थोड़ा बचा हुआ है और मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये बहुत मार्वलेस फेस वॉश है और इसकी कॉस्टिंग नियर बाई 700 रुपीज़ आती है समथिंग, एंड प्राइस इज़ नॉट मैंशन हुआ है। 700 रुपीज़ आती है एंड इट्स सीरियसली वेरी नाइस फेस वॉश। बेबी सोप जैसे ही आपका फेस हो जाता है, अगर फेस पे रेडनेस आती है या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट होता है, तो आई सीरियसली रिकमेंड दिस फेस वॉश फॉर यू। फॉर द सेंसिटिव फेस इट्स बेस्ट फेस वॉश आई एवर यूज। आई सीरियसली लव इट, आई सीरियसली लव इट। इट्स इन जेली फॉर्म, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, तो कोई केमिकल नहीं होता है। फेस पे मेरे हल्की फुल्की रेडनेस रहती थी तो वो भी कम कम होती गई है। सो आई यूज दिस फेस वॉश फॉर एटलीस्ट 3 महीने मैंने इसको यूज किया है बैक टू बैक। सो नाउ आई एम शिफ्टिंग द फेस वॉश।
माई चार्जर. सो आई एम ओपनिंग माई पर्स इन फ्रंट यू. अब जो भी होगा इसके अंदर जो आपके आप लोगों के सामने होगा. देन मास्क. सो मास्क वन मोर स्टैंड. मैं वैसे ज़्यादा स्टैंड यूज़ नहीं करती हूँ. मैं घर के लिए ही स्टैंड है, पार्लर में तो हेल्प हो जाती है. तो मेरे पास ये दो छोटे स्टैंड, एक में तो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, एक के स्टैंड है. एंड दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव स्टैंड, तो मैंने अमेजोन से लिए थे. दे आर नॉट रियली वेरी एक्सपेंसिव स्टैंड. माय फेवरेट रोलर. ओके कवर, फोन कवर. आई हैव टू फोन कवर्स एंड बोथ आर वेरी नाइस. आई सीरियसली लव दैम. So it's a Hello Kitty and a glittery phone cover. Good one, good vibes, good ones, whatever dikh nahi raha hai. So two phone covers. Okay, this is one of my favorite box and ye mere purse mein aapko milta rahega. Aur roller. Okay. These are the face rollers I use every day to massage my face. So मैं इसको use करती हूँ every day. और मैं कई बार client पे भी इसको use करके recommend करती हूँ. तो it's seriously very nice. So soon I'm making, जब मैं अपनी night regime की video या morning regime की video बनाऊँगी तो मैं बनाऊँगी और इसके benefit और plus point बताऊँगी. तो these are always in my purse, मेरे purse में रहते हैं. So they are very nice. अच्छा अब आप लोग वीडियो के नीचे ये मत बोलना लिपस्टिक पूरी नहीं लगा रखी. मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं आई हूँ और आते ही मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए पूरी नहीं बनाई. सो सीबा मिड क्लियर फेस क्लिनजिंग फॉर्म. ये क्लिनजिंग फॉर्म है, ये भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ. मैं अपना फेस क्लीन रखना बहुत पसंद करती हूँ. और इस फेस वॉश, ये मेडिकेटेड फेस वॉश है और इसका रिजल्ट अच्छा आता है. ओके आता है, मतलब मुझे अच्छा लगा. पर सेंसिटिवनेस के लिए ये अच्छा है, ग्लो के लिए वो अच्छा है. इट जस्ट क्लियर द पोर्स. सो मैं पोर्स को अच्छे से क्लीन करना पसंद करती हूँ कि पोर्स में कोई डस्ट ना हो. तो मैं अपना फेस पूरे दिन में 3 से 4 बार धोती हूँ. अब आप ये कहोगे आपका यही काम है, आप जब हम सैलून में होते हैं जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे होते, हम भी काम कर रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं कि मेरा यही काम है, ऐसा है एक्चुअली मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती, आप लोग नहीं निकालते. यही फर्क है. सो आई शो यू व्हाट इज इन दिस. सो आई डिडंट यूज दिस वन ग्लूथाइन के 1000 mg. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, 2400 के 15 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर और रिजल्ट आर ओके, वेरी एक्सपेंसिव, रिजल्ट आर ओके, ओके रिजल्ट. सो दीस आर द कैप्सूल्स. सो क्वाइट एक्सपेंसिव, आई सीरियसली से इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. 2400 के 15 कैप्सूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एज अ कंपनी से कि द बॉडी वेट यू हैव टू टेक. अगर आप स्लिम हो तो आपको एक कैप्सूल खाना है, अगर आप हैवी हो तो आपको दो खाना है, बहुत हैवी तो तीन खाना है. तो मैं हैवी नहीं हूं तो मुझे दो खाना है. मतलब मेरे 7 दिन के कैप्सूल 2400 के नेवर लास्ट टाइम आई है. सो नाउ आई हैव अ मेडिसिन. सो दीस आर द मेडिसिंस, दीस आर द बेदनाथ की मेडिसिंस हैं एंड मेडिसिंस हैं. I'm facing problem of PCOD and I'm taking medicine for them. So these are the recommended by doctor, one of my friend. So she recommended it. So I'm using it. अच्छा जिन जिन को ये प्रॉब्लम होती है क्या हम हेयर एक्सटेंशन में काम कर सकते हैं? देखो कर सकते हो. आई लव दिस कलर. आई हैव टू, मेरे पास दो हैं. मुझे अच्छे लगे दोनों कलर तो मैंने अपने लिए ले लिए. आई लव देम. नाउ आई हैव बेब का सीरम. आई लव द सीरम, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बालों को नरिश करना. तो दिस इज अ बेब सीरम. सो आई हैव O3 का फेस क्या निकल के आया, ब्राइटनिंग टोनिक. जिसका फेस वॉश है उसी का टोनिंग है. देखो मैंने आधा यूज़ कर दिया, इट्स वेरी नाइस वन. इट जस्ट मैं फेस को टोन अप करना भी बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि पोर्स नहीं होंगे उससे. टोनिंग करने से आपके पोर्स क्लोज रहेंगे, एक फेस पे अलग ही चार्म आता है, आपको फेस सॉफ्ट लगता है. सो आई लव दिस टोनर. एक्चुअली आई एम टू मच फैन ऑफ लॉट ऑफ फेस वॉशेज एंड लॉट ऑफ टोनर. सो दिस इज द वन टोनर. एक
फेवरेट रोज वाटर टोनर अच्छा है ये, मैं इसको यूज करती हूँ फॉर फ्रेग्रेंस, आई लव इट। डाबर का है ये, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी गुड वन। कोई मुझे गुलाम नहीं देता तो मैं खुद ही गुलाबो 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 बन जाती हूँ। कैनपिक का फेस टोनर है एंड सीरियसली गाइज आई लव दिस टोनर, मतलब मैं O3 से भी ज़्यादा इस टोनर को रिकमेंड करती हूँ। अब मैं इस फेस टोनर को क्यों रिकमेंड करती हूँ ये मैं आपको स्पेशली बताऊंगी। मैं ये एक छोटी सी बोतल 700-800 रुपए की कुछ मुझे पड़ जाती है और अभी भी इसमें बहुत सारा बचा हुआ है और मैं इसको दिन में 2 से 3 बार लगाती हूँ, इसको 2 बार लगाती हूँ, इसको वंस अ वीक, क्योंकि मैं इसको एक्चुअली खुशबू के लिए लेती हूँ। कुछ नहीं फ़ायदा इसका, बस जस्ट फॉर खुशबू। मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं इसको 3 से 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैं बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप भी इसको स्प्रे कर लेती हूँ, एक अलग ही फेस पे ना मुझे सॉफ्टनेस से फील होती है। मतलब इसमें फ्रेग्रेंस इज़ नॉर्मल, इट्स नॉट सो मतलब कि पैम्परिंग फ्रेग्रेंस, बट मैं इसको यूज़ कर रही तो इसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं आता, इसका रिजल्ट बहुत स्लो आता पर बहुत बेस्ट आता है एंड इट सीरियसली मेक माई फेस वेरी सॉफ्ट। मैं इसके कॉम्बो के साथ तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपका फेस बहुत सेंसिटिव है तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बो, इसका फेस वॉश ही कैनपिक का और इसी का टोनर, आई सीरियसली रिकमेंड, इट्स ब्यूटिफुल वन। मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, हाउ टू यूज देम, आई एम वेरी सॉरी। आई हैव अ दिस इज अ रेन बेका है एंड आई लव देम, दे आर कूल, इनका ग्लास क्वालिटी इज वेरी सुप्रीम एंड आई सीरियसली लव देम, सीरियसली लव द कलर। आई हैव अ मेडिसिन, ये दिव्य सावित्री वती की माई फेवरेट मेबलिन रेड लिपस्टिक नंबर 20, आई पुट अ लॉट, सुबह लगाई अब तक है, सो इट्स वेरी नाइस। अब मैं क्या बोलूँ, किस प्रूफ मैट प्रूफ एवरीथिंग, इट्स बेस्ट लिपस्टिक एंड देन माई मॉइस्चराइजर, इट्स वेरी नाइस वन, इट्स एक्ने प्रो स्किन मॉइस्चराइजर, डर्मो बेस है और मुझे अच्छा लगा इसका रिजल्ट, ओके है। मैं इसको दिन में 2 बार लगाती हूँ एंड देन इट्स गुड वन, आई लव दैट मॉइस्चराइजर। डोंट वरी, जो कैच नहीं कर पा रहे हैं वो लोग टेंशन ना लेंगे, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी हाउ आई यूज माई डे एंड नाइट रूटीन, आई एम वेरी सॉरी। सो दिस इज द मेन क्लींजर ऑफ माई फेस, ये क्लींजर है जो मिला हुआ है मसाजर, ठीक है। नाउ इसके ऊपर सेटिंग आती है, ओहो रुक जा भाई रुक जा। Again face mask, lot of face masks are there and so charger USB का इसको charge करने का, so
ईयरपोड्स कह रही हूँ, दीज आर द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ब्लूटूथ माई वॉच मैं कभी नहीं पहनती हूँ, घड़ी है मेरे बैग में रखी हुई है जी सी, एंड आई नेवर वियर, कहीं पार्टी में जाओ तो पहन लेते, क्योंकि वाइल वर्किंग आई लव कि मेरा हाथ फ्री हो। ड्रम में यूज करती हूँ रैशेस हो जाएं उनके लिए, तो आई ऑलवेज हैव इन माई बैग कि रैशेस हो कहीं कुछ आपको फील हो, सो आई यूज इट, आई हैव बट मैं इतना यूज नहीं करती एक्चुअली, मैं रैशेस वाला कोई काम ही नहीं करती। है मेरे बैग में एक्चुअली, पता है जब जब आप आईब्रो पे रेजर करते हो, आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे, आप जब आईब्रोज पे रेजर करते हो तो आई टेल यू वन थिंग, हेयर ग्रोथ जल्दी होते हैं, इंस्टेड ऑफ आप थ्रेड करते हो तो जो शार्पनेस आती है वो थ्रेड से आती है, रेजर से नहीं आती है, ग्रोथ जल्दी होती है, बुशी होती है, इसलिए आई डोंट लाइक इट। ₹225 है मेरे बैग में, पार्टी मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी 225 होंगे। देन आई हैव ए तो कोई अगर सोचे मेरा पर्स चलाने की, बेचारे को ₹225 मिलेंगे, प्रोडक्ट यूज करना नहीं आएगा उसको, उसको ये नहीं पता प्रोडक्ट इससे ज्यादा महंगे होंगे जितने की वो उम्मीद कर रहा होगा। सो आई हैव इन माय छोटा ये मिनी पर्स था, इसके अंदर लीड, एक्चुअली लीड खराब हो गई है, वन क्या कहते हैं इसको, अबे नेट आता है इससे क्या कहते हैं, समझ गया नेट। सो दीज आर ओनली थिंग्स जो मेरे रात में पर्स में 9:30 के बाद आपको मेरे पर्स में आराम से मिलेंगी। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई नो इट्स लिटिल बोरिंग, क्योंकि जिनको ये नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसमें नहीं बता पा रही क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, सो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और मेरे पर्स में नॉर्मली यही सामान रहता है, ब्यूटी ब्यूटी एंड ब्यूटी, मैं कोशिश करती हूँ मैं और खूबसूरत बनती जाऊँ, और खूबसूरत बनती जाऊँ, और खूबसूरत बनती जाऊँ। ही वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को फ्रेंड्स में शेयर करो और प्यार दो। मैं आई लव यू लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, एंजॉय। मैं सून आपको अपनी नाइट रूटीन की वीडियो बनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कैसे मैं रात को अपने फेस की केयर करती हूँ और कैसे मैं मॉर्निंग में केयर करती हूँ, और दिन में भी दिखाई देख लेंगे हम क्या करते हैं। सो गुड नाइट, आप सो जाओ।